बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाक टैलेंट 92 में खुश आमदीद। तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंतहाई मुखलिस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, आप जानते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले फारूक कमांडो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है, आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं कि जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर हाफिज अंस रिजवी, जो कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी के छोटे साहबजादे हैं, उनका भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उनका बयान भी सुनाया जाएगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो आए नाजरीन, आपको वो वीडियो दिखाएं। जंबर में गूंजनी चाहिए कि ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे हैं, इन बच्चों के दिलों में इश्क मुस्तफा है और ये खत्मे नबूवत का नारा लगा रहे हैं। ताजदार खत्मे नबूवत, आका के लिए जीना शहादत समझे गम, उनके लिए मर जाना शहादत समझे गम, आका के लिए जीना। तो जी नाजरीन, आपने वीडियो में देखा कि फारूक कमांडो किस तरह छोटे छोटे बच्चों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर रहा है। और ख़ास तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि फारूक कमांडो बसों में जाकर, स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो लोगों के दिलों में पैदा कर रहा है। और ख़ास तौर पर यह नारा भी लगा रहा है, मन सब्बा नबी अल फक्तलू। इसकी वजह से कुफर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। और अब इस पर हाफिज अंस रिजवी का बयान भी सामने आ चुका है। चला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा।